सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको फेसबुक का VIP अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस, इस तरह से आप भी अपनी फेसबुक का VIP अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। और गाइस देख सकते हैं, इसमें फेसबुक का स्टाइलिश नेम है। और गाइस आप भी अपनी फेसबुक आईडी में इस तरह का नेम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस आपको क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस एक फेसबुक का सिंपल अकाउंट है, मैं उसे आपके सामने लाइव प्रूफ VIP अकाउंट बना के दिखाऊंगा। तो गाइस मैं उसे लॉगिन कर लेता हूं। तो गाइस देख सकते हो अकाउंट लॉगिन हो चुका है, और आपको भी अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद गाइस आपको सिंपली प्रोफाइल पर चले जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद गाइस आपको इस फेसबुक को मिनिमाइज कर देना, और आपको कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं, और आपको भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गाइस आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है FVVIP कवर फोटो। सर्च करने के बाद गाइस आपके सामने कवर फोटो आ जाएंगे, यहां से आपको जो भी अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लेना है। तो मैं देख लेता हूं। तो गाइस मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको इस फोटो पर क्लिक करना और सिंपली प्रेस कर रखना है, तो आपके सामने डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको सिंपली फेसबुक पर चले जाना है। फेसबुक पर आने के बाद गाइस आपको ऊपर की साइड ऐड कवर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और ऊपर की साइड आपको दिख रहा होगा अपलोड फोटो, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपनी जो फोटो डाउनलोड किया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, जो भी अपना साइज करना है इसे, तो एडजस्ट करके आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारी कवर फोटो लग जाएगी, देख सकते हो गाइस कवर फोटो लग चुकी है। अब आपको प्रोफाइल लगानी है, तो गाइस आपको फिर क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ लिखना है जोकर फोटो। फिर गाइस देख सकते हो आपके सामने जोकर के फोटो आ जाएंगे, यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको उसी तरह से डाउनलोड करना है, थोड़ी देर प्रेस कर रखना है, और गाइस डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, देन डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है। फिर आपको फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ आपको कैमरे का आइकन दिखाया, इस पर क्लिक करना है, और सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, मैं सारा कुछ बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। फिर गाइस आपको गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है जो आपने अभी डाउनलोड किया था। और फिर आपको क्रॉप का आइकन दिख रहा है नीचे की तरफ, क्रॉप वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेना है जितना भी आपको लगाना है। और फिर आपको ऊपर की साइड डन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। गाइस फिर आपको देन सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी लग चुकी है। फिर गाइस आपको नीचे की तरफ एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइस देख सकते हो प्रोफाइल और हमारी कवर फोटो लग चुकी है। तो गाइस आपको अब बायो लगाना है। तो बायो लगाने के लिए गाइस आपको सिंपली फिर क्रोम ब्राउजर में जाना है, और गाइस आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है FVVIP बायो। सर्च करने के बाद गाइस आपको सिंपली फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो गाइस देख सकते हो आपके सामने सारे बायो आ रहे हैं, जो भी आपको अच्छे लगे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस आपको सिंपली फेसबुक में चले जाना है। फेसबुक में जाने के बाद गाइस आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। फिर गाइस आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देख सकते हो बायो भी ऐड हो चुका है। फिर गाइस आपको वर्क प्लेस ऐड करनी है, तो आपको वर्क प्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऐड वर्क वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको
स्पेस को मिनिमाइज कर देना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ आपको लिखना है fb-tip वर्क और सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद गाइस आपको सिंपली फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो गाइस देख सकते हो आपके सामने सारे बायो आ रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो गाइस मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस सिंपली आपको फेसबुक में आ जाना है। फिर गाइस यहाँ आपको वर्क प्लेस नेम दिख रहा है, इस बार यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है जो आपने भी कॉपी किया था। तो गाइस देख सकते हो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है। देन इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस इसे शेयर करना चाहते हो पोस्ट की तरह तो गाइस शेयर भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक करके इसे कट भी कर सकते हो। देन आपको नेक्स्ट अगर और तरह का लगाना है तो वहाँ से कॉपी करके क्रोम ब्राउजर से लगा सकते हो, बट मुझे यही वाला लगाना है तो मैं ऐड वर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन फिर गाइस आपको सिंपली उसी तरह से लगा लेना है दूसरा भी, तो मैं लगा लेता हूँ, आपको भी 8 से 10 बार लगा लेना है, मैं भी लगा लेता हूँ। फिर गाइस आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारे वर्कप्लेस भी ऐड हो चुके हैं, अब आपको हॉबीज लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हॉबीज सिलेक्ट करनी है जो भी आपको लगानी है। तो मैं हॉबीज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जितनी भी आपको लगानी है वो लगा सकते हो जो भी आपकी हॉबीज हों, देन सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस हॉबीज भी लग चुकी हैं हमारी। हॉबीज को ऐड करने के बाद गाइस आपको फ्यूचर्ड फोटो को ऐड करना है। तो गाइस आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको जो भी लेटर अपने नेम के या किसी भी के लगाने हैं, तो मैं किंग लिखना चाहता हूं तो मैं किंग के लेटर डाउनलोड कर लेता हूं। तो आपको किंग के लेटर कैसे डाउनलोड करने हैं, पहले आपको के डाउनलोड करना है तो लिखना होगा फायर लेटर के, यानी इसे टाइप करके सर्च कर देना है। तो गाइस आपके सामने सारे फायर लेटर आ जाएंगे के टेक्स्ट के। तो गाइस आपको सिंपली यहाँ से जो भी अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लेना है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर गाइस आपको बैक आ जाना है और यहाँ गाइस आपको के बाद आता है आई किंग, तो गाइस आई लिख देना है फायर लेटर आई, फिर आपको सर्च कर देना है। तो गाइस आई आ जाएंगी आपके सामने, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो फिर डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसे जल्दी डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस और आपको भी डाउनलोड करना है अपने नेम का जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो। फिर गाइस आपको लगाने के लिए फेसबुक को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद गाइस आपको ट्राई इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपको लास्ट वाला वर्ड लगाना है पहले, जैसे कि किंग में लास्ट में जी आता है, तो मैं जी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर गाइस आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइस आपके सामने एक प्लस का आइकन शो होने लगेगा, इस पर क्लिक करना है और गाइस जी से पहले जो वर्ड आता है उसको लगा लेना है। एन आता है तो मैं एन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको पीछे से आगे को लगा लेने हैं सारे वर्ड। फिर गाइस आई लगा लेनी है। फिर गाइस आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और के सिलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है। तो गाइस देख सकते हो चारों वर्ड लग चुके हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपनी प्रोफाइल पर लगा लेने हैं। फिर गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ प्रोफाइल पर जाकर शो हो रहे हैं ना। तो गाइस देख सकते हो ये शो हो रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हो। तो फिर गाइस आपको अगर सॉन्ग लगाना है प्रोफाइल के नीचे तो वो कैसे लगा सकते हो, तो गाइस आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और गाइस देख सकते हो यहाँ म्यूज़िक का ऑप्शन आ रहा है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाए, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
देन यहाँ से जो भी आपको सॉन्ग अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना है। सुन भी सकते हैं यहाँ से भाई, इस तरह से सुन के आप जो गाना आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद गाइस आपको फिर से म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो गाइस यहाँ शो होने लगेगा। फिर गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पिन टू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस ये आपकी प्रोफाइल के नीचे पिन हो जाएगा, शो होने लगेगा वहाँ। मैं आप जाके दिखा देता हूँ आपको, तो गाइस देख सकते हैं ये शो होने लगा है। जो भी आपकी प्रोफाइल पर आएगा वो इस गाने को सुन सकता है, तो इस तरह से गाना भी लगा सकते हो। तो गाइस इस अकाउंट में अब स्टाइलिश नेम ऐड करना रह गया है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से फेसबुक का VIP अकाउंट बना सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।